तो फाइनली भाई अभी हो रहे हैं 10:15 और मैं होटल से होटल कह रहा हूँ मैं हॉस्टल से निकल चुका हूँ हॉस्टल से निकल चुका हूँ जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन जो कि है टास्केंट पास सेंटर। मेरे 2.2 किलोमीटर की दूरी है हॉस्टल से। बस मिलेगी 12 नंबर और 2 नंबर भी चल रही है बस, तो मैं उससे जा रहा हूँ। और भाई आप लोगों को कुछ और दिखाना था। अभी हो रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं और बहुत सी जगहों पे आपको ऐसे सोलो ट्रैवलिंग में अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी देख रहे हो आप रोड पूरी शांत है, बस वो मेन रोड सामने दिख रही है उतना ही है। और मैं अभी रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। सो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, जब आप फुल टाइम ट्रैवलिंग करोगे तो आपको हर समय आपकी चीज़ें प्लान्ड वे में नहीं मिलेंगी। जैसे कि बॉर्डर क्रॉसिंग, जैसे मैंने यस्टरडे किया था, मैंने पंजाकेंट जो सिटी है ताजिकिस्तान में बॉर्डर लाइन के पास पड़ता है, वहाँ से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया समरकंद का। बट मैंने गलती ये की कि समरकंद क्रॉस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि समरकंद क्रॉस करते ही मुझे दिखा कि समरकंद का जो बॉर्डर है सिटी से 40 किलोमीटर दूर था और मुझे क्रॉस करते करते इवनिंग हो गई थी, 6 बज गए थे उस समय, क्योंकि सेंट्रल एशिया में शाम होने का मतलब है रात होना। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, दिन में कोशिश करें कि सारी चीज़ें क्रॉस करके अपना टाइम पे निकल जाए। अभी सुबह के 3 बज चुके हैं और मैं स्टेशन पे हूँ ताशकंद पास सेंटर पे। कल रात को ही मैं आ गया था 9-10 बजे के आसपास करीब। ये ट्रेन की स्टेशन की एंट्री है। आप जैसे यहाँ से एंटर हो गए, ये सामने एंट्री दी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेन आती है टेलगो मीन्स ताशकंद से अलमाटी, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है, तो आपको यहीं सेंटर लेनी है। और बाकी जो दूसरी इंटरनल आपको ट्रैवल करनी होती हैं जैसे कि समरकंद बुखारा, तो वो अगर जाना है तो 2, 3, 4, 5 और 6 वो प्लेटफॉर्म सारे यहीं से हैं। तो अब मतलब इधर से जाओगे, इस साइड से निकलोगे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। बुलेट ट्रेन जो है यहाँ की समरकंद तो जाती है, वो भी आती है हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म पर आती है। तो प्लेटफॉर्म पे एक पे ही मतलब आती है, क्योंकि मतलब इनका जो है ना मेन ही रहता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म सारी की सारी प्लेटफॉर्म 1 से जाती हैं। जैसे तुम्हारी बुलेट ट्रेन हो गई और ये टेलगो वाली हो गई, इनके प्लेटफॉर्म जो है वो 3, 4 या 5 पे नहीं जाते हैं, सिर्फ 1 पे रहते हैं। तो यहीं से आपको एंट्री मिलेगी, ये गेट खोल के सीधे मैं दिखा देता हूँ एक बार। और अभी सामने खड़ी भी है टेलगो। यही है मेरी नंबर 9th में है, पहली सीट है, अभी लाइन से खड़ी है फिलहाल। तो 3-4 बजे बोर्डिंग शुरू कर देंगे बैठने के लिए, 4 बजे बोला गया था, तो देखते हैं अभी तो फिलहाल। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे अपना वेट वेट कर सकते हो, सारे के सारे वेटिंग है, जनरल वेटिंग रूम है। तो बोर्डिंग कर रहे हैं फिलहाल, अभी 3:30 बज गया है और इसमें देख लो लिखा है 001, दिस इज़ दी ट्रेन नंबर, एंड 009 जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है वो है बर्थ मतलब बोगी नंबर और कोच नंबर। इसके बाद 10 है, 10th में बॉक्स में लाइट नहीं जल रही है, तो उसके बाद फिर 11 का नंबर है। तो कुछ ऐसे ही सारे सीक्वेंस है और मेरी जो सीटिंग है वो 1 है। तो ये है भाई, देख लो कुछ ऐसा, नीचे का बर्थ मिला है, 1 बैठेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। 4 बर्थ है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक नीचे और इधर। बैग का देखना पड़ेगा कहाँ रखना है, बैगेज के लिए ये ऊपर दिया लगेज का। बाकी आपको रंग से दिखाता हूँ सामान रखने के बाद। सो ये कुछ इसका सामने तुम्हारा वॉश, ये वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। और ये इंटरकनेक्टेड लॉबी है, सेम ही है जैसे होती है। सो ये ट्रेन थोड़ी सी बढ़िया है, टेलगो ट्रेन है ना,
मेरा है 1 नंबर। चलता आपको दिखा देता हूँ सामने से। आगे इंजन तक लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं कैसा है कैसा नहीं है। सलाम, ये रखा है 7 नंबर, अभी इसमें 8 नंबर है, मतलब 6 नंबर होगा। हेलो, ये 6 नंबर है लेकिन इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ, अब लिखा होगा 5 नंबर, तो देखना 5 ही लिखा होगा। कोई भी दिखा देता हूँ, पूरी बोगी जुड़ी हुई है, टेंशन नहीं है। सो ये देखो 5 मैंने बोला था। हर एक बॉक्स जो भी कोच है उसके पास में एक ना एक बंदा रहते रहता है। सलाम अलैकुम, हाँ कजाकिस्तान अलमाटी, हाँ ब्लॉग ब्लॉग, हाँ इंडिया प्रीवियर। तो ये है इसका मेन इंजन, कुछ ऐसा दिखता है। सो सब लोग बहुत अच्छे हैं भाई, एकदम बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आली पड़ी है। तो ये है कजाकिस्तान का लोगो, अभी इंजन लगा नहीं है, या तो उस तरफ हमें जाना है तो मे बी कुछ यहाँ पे जुड़ेगा मेन है। गुड मॉर्निंग भाई एवरीवन, अभी 11 बजने वाले हैं और हम लोग शिमकेंड में आ चुके हैं। ये शिमकेंड है, शिमकेंड का रेलवे स्टेशन। मैंने देर कर दिया उठने में, उठ गया था बट मैं बैठा हुआ था तो निकला नहीं बाहर। सो आई थिंक 10 मिनट तक स्टेशन पे रुकी है यहाँ पे ट्रेन और अब आगे बढ़ रहे हैं। सो जो मेन सिटी थी कजाकिस्तान की शिमकेंड, उसमें हम लोग एंटर हो गए हैं और अभी आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ दी स्टेशन, यू कैन सी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका। ये कुछ आसपास के शहर देख लो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और सब में टीन शेड है और देखो मोस्टली घरों में टीन शेड लगे हुए हैं। यहाँ पर ज़रूरत होती है ऐसे ही घर बनाने की, ठंडी और गर्मी के लिए। चलते हैं स्टेशन पे तो बाहर निकलते हैं क्योंकि अब तो मैं उठ ही गया हूँ यार। जो मेन मुझे नींद लगी हुई थी वो 4 बजे के आसपास लगी थी क्योंकि हम लोग 4 बजे 3:30 बजे करीब ट्रेन के अंदर आ चुके थे और 5 बजे के आसपास हमारा जो उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर कंट्रोल टीम थी वो आई। तो सबसे पहले पहले पासपोर्ट आके कलेक्ट कर लगे उज़्बेकिस्तान की जो टीम जी थी। फिर डॉग आया एक बंदा लेके पूरा स्मेल वगैरह करवाने के लिए, कुछ है तो नहीं। उसके बाद सेकंड एक बंदा और आया बैग चेक करने के लिए। सो ज़्यादा कुछ सामान निकलवाया नहीं है और मेडिसिन एक ज़रूरी लोग पूछ रहे हैं कि भाई हेडेक की मेडिसिन तो नहीं है। तो भाई हेडेक वडेक की मेडिसिन जो होगी अगर आप ला रहे हो तो छुपाओ नहीं, बता देना। और अगर आपको थोड़ा सा इन हेक्टिक प्रोसेस से बचना है, मतलब यहाँ इसमें जो मैंने नोटिस किया है ट्रेन में जो इमिग्रेशन हो रहा था इतना कठिन नहीं था, बट फिर भी चेकिंग वगैरह हो रही थी और 2-2 घंटे 1-1 घंटे लग रहे हैं सुबह सुबह वो भी, क्योंकि सुबह की ट्रेन थी 4 बजे की, तो करीब 5:30 बज गए थे। और उसके बाद मैं उज़्बेकिस्तान से क्लियर हुआ इस टाइम के साथ में एग्ज़िट। तो भाई चल रहे हैं रेस्टोरेंट पे देखने के लिए वहाँ पे क्या क्या है खाने पीने के लिए। और कुछ ऐसा है पूरा, ये भाई मिले थोड़ा सा बातचीत हुई और मतलब बढ़िया है, हंसी मजाक कर रहे थे। अभी स्पीड 70 किलोमीटर्स की है, 12 डिग्री टेम्परेचर है। एकदम नीट एंड क्लीन बना रखा है पूरा, साफ सफाई मेंटेन करनी पड़ती है। रेस्टोरेंट जहाँ पर अपना आके भैया खा पी सकते हो। बाकी उधर तुम्हारा है वो कैंटीन है, यहाँ पे कार्ड नहीं है, सिर्फ कैश लगेगा। सो मेक श्योर भाई आपके पास में कैश होना चाहिए। और अगर आप टेलगो में आ रहे हो तो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो आप अगर खाना नहीं भी लेके आ रहे हो तो यहाँ पर आके खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट्स वगैरह मिल जाएंगे, चाय वगैरह भी मिल जाएंगी। वो सामने किचन है, कैन आई सी किचन? यूट्यूब चैनल
ओके थैंक यू ओके सो ये बाहर एक एरिया काइंड ऑफ है इधर से ओके यहाँ पे अपना चाय कॉफ़ी जो भी है पी सकते हो तो ये है देखो रेट लिस्ट है आप लोग देख सकते हो दिस इज टेंगे ओनली टेंगे कॉफ़ी टेंगे टेंगे 500 लेट मी चेक द टेंगे आई हैव और नॉट यहाँ से भाई व्यू अच्छा आता है पैनोरामिक काइंड ऑफ है पूरा विंडो ओपन है सो बर्फ़ पड़ी हुई है क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अलमाटी की तरफ सो देख लो भाई एक नंबर व्यू है माँ की आँख मेरा मन कर रहा है अभी ट्रेन से उतर जाऊँ और बाहर निकल जाऊँ दिल में खुश हो रहा है यस दिस इज़ द प्लेस दिस इज़ हाउ इट लुक्स वो किचन है और ये सिटिंग एरिया है यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो सो इट्स गुड यस मिल्क इंडिया से एक ये भाई है नाम बताइए अपना भाई है निर्मल निर्मल फ्रॉम गुजरात इंडिया आप बताइए भाई आई एम फ्रॉम नसीम फ्रॉम दिल्ली दिल्ली काम कुछ क्या करते हैं अपना एग्रीकल्चर कॉमोडिटी का भी जॉब करते हैं जॉब आप हम एग्रीकल्चर में हैं एग्रीकल्चर कॉमोडिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं तो अभी मैं कैफेटेरिया जो इनका था ना सिटिंग एरिया कैंटीन एरिया वहाँ पर बैठा हुआ था तो वहीं भी मिल गए तो वहीं से बातचीत शुरू हुई तब तक बैठा हुआ साथ में अभी बातचीत ही हो रही है ये पूरा घूमने का कैसा रहा कैसा नहीं रहा ये सब था बट यहाँ का मौसम भी अच्छा है क्योंकि पता देखो टी शर्ट में बाहर घूमे एकदम दिल्ली जैसा माहौल हो रखा है सुहाना सुहाना दिल्ली जैसा है सही में मैंने भी कुछ नहीं पहना है बस ये हल्की सी अंदर टी शर्ट पहनी और ये है और आपको हर स्टेशन पे ना जितने भी कोचेज हैं वहाँ पे एक एक आपको यहाँ पे ऑफिसर मिलेंगे एक ये खड़े हैं उधर खड़े हैं उधर खड़े हैं कोई दिक्कत हो आपको चढ़ने के लिए तो ये लोग हेल्प हमेशा करते हैं और आपका कौन सा कोच है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देंगे बाकी सारा जो आपका कोच का क्लीनिनेस है सफाई है ये सब कुछ इन्हीं को देखना पड़ता है तो ऐसा है और ये है एक्चुअली टेलगो ट्रेन कजाकिस्तान की है बेसिकली तो आप देख लीजिए लोगों भी कजाकिस्तान का लगा हुआ है मैक्सिमम स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा एक कोच में कम से कम 12 बेड लगे हुए हैं तो ये है अपडेट करीब 6-7 स्टेशन होते हुए जाएगी सामने दिख रहा है लास्ट हमारा टास्कंड था जहाँ से हम बैठे थे और जाएगी अलमाटी टू पे सिटी के अंदर जब चलते हैं अंदर बाकी मैंने आपको अंदर का दिखाई दिया है सब कुछ साफ सफाई सब कुछ एक नंबर है यहाँ पर पानी के भी लगा हुआ है पीने के लिए गर्म पानी चाहिए ठंडा पानी चाहिए दोनों पी सकते हो कप भी रखे हुए हैं और अभी का टेम्परेचर 15 degrees है 15 degrees चल रहा है और स्पीड तो 0 भाई ऑब्वियस खड़े हैं वो क्या ही होगी सो ये भाई का यहाँ पे था कोपे रूम और एक और चीज़ कभी भी आप ट्रैवल करोगे ना तो रशिया साइड में तो कूपे कुछ ऐसा होता है दिखता है और प्लाट्स कार्ता स्लीपर होती है जैसे हमारे पास में होती है और सिटिंग 3 क्लास होती हैं सो हमेशा याद रखिएगा जब बुकिंग करेंगे तो विंडो पे वो बोलते हैं प्लाट्स कार्ता कूपे या फिर सिटिंग तो ये 3 चीज़ ध्यान रख के हमेशा बुक करें ये महंगी होती है क्लास कम से कम 3,000-4,000 मिनिमम आपको लगेगा इसका बाकी सिटिंग सस्ती पड़ती है और स्लीपर थोड़ा बीच का रहेगा अभी मैं सेशन पे खड़ा था और जो मेरा नंबर है 9 ठीक सामने कुछ ये रखे थे ये पूरे ड्राई फिशेज हैं देख लो ठंडियों में क्या है ना कि जब विंटर्स प्रॉपर स्टार्ट होते हैं तो इसी तरीके से फिशेज को ना मतलब ड्राई करके रखते हैं और फिर अपना यूज़ करते रहते हैं जैसे जैसे खाना है जब जब खाना ख़राब नहीं होती हैं
तो भाई एक और स्टेशन पे पहुंचे हैं, कौन सा है पता नहीं, और नीचे देखो बर्फ़ जमी हुई है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हो चुका है करीब 6 डिग्री मैं दिख रहा हूँ, तो मेरी ट्रेन ये रही और ये सोवियत टाइम वाली है पहले समय की, पता नहीं कौन से स्टेशन का है क्या है पता नहीं। चलते हैं थोड़ी देर के लिए, खाली था हॉल्ट, बस चलना पड़ेगा, बस हो गया ज़्यादा देर का। तो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड बाय। वालेकुम सलाम। अलमाटी पे आ चुके हैं फिलहाल, और जो दो लोग मिले थे उनके साथ में जा रहा हूँ मैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, लोग बाहर खड़े हैं। तो ये दोनों टेलको ट्रेन्स हैं, ये एकदम मॉडर्न वाली है, ये थोड़ी सी पहले की है, सुबह टाइम की है। सो दोनों एक जैसे मिलेंगी, और फिलहाल अभी ऐसे ही मज़ा आता है रात और दिन में उठने में। तो ये सामने खड़े हैं दोनों लोग, निकलते हैं फिर देखते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। सो भाई लोग मैं आ गया हूँ होटल में, जो दो लोग मेरे साथ में थे तो मैं उन्हीं के साथ में आ गया हूँ, और कुछ ऐसा कमरा है होटल का, ये एक्सटेंड कराया गया। तो भाई फाइनली मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, और आज पूरा दिन मैं जो दो हिंदुस्तानी लोग मिले थे मुझे वहाँ पे स्टेशन पे, तो मैं उन लोग के साथ में था, और उनको मैंने एक्चुअली कोकतोबे घुमाया था और आसपास का एरिया दिखा दिया थोड़ी सी उनके साथ में घूमा मैं, बट कोकतोबे रिकॉर्ड करने का मतलब नहीं बनता दोबारा से, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो जा चुका हूँ वहाँ पे। सो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की आज के लिए, और होटल में थोड़ा बहुत आराम किया, उसके बाद से उन्होंने टैक्सी ली सीधे होटल गए, होटल में चेक इन किया, खाए पिया हो गए, उसके बाद से सुबह उठ के हम लोग करीब फ्रेश होने के बाद से चले गए थे बाहर, कुछ चीज़ें दिखा दी, और 7 बजते ही फिर मैं आ गया यहाँ पे एयरपोर्ट पे और चेक इन कर लिया मैंने, सब कुछ हो चुका है। मेरा बैगेज एक्चुअली 7.5 kg है, इंडिया में ही बहुत सारा झमेला है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे किसी ने कुछ बोला नहीं, बट वहाँ पे हमेशा चेक कर रहे थे, और मैंने एक्स्ट्रा 2000-2500 पे किए थे वो दो केजी के लिए, बट यहाँ से मैंने नहीं पे किया ज़रा सा भी। तो लेट्स सी, अब ऑलमोस्ट रेडी हैं जाने के लिए, ये लेना पड़ा इतनी गर्मी है। भाई बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट टाइम पे शुरू हुई है, 5-10 मिनट का डिले हुआ है, लाइन लगी हुई है देख लो, KC7179। फिलहाल भाई मेरा बैगेज 2.5 kg से एक्स्ट्रा था, बट यहाँ पे कोई चेक इन वगैरह नहीं हुई है, जो भी था सब दिल्ली एयरपोर्ट पे है, 3 जाम है, तमाशे हैं, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं है, यहाँ पे अब तक पूछेंगे भी नहीं। सो भाई फाइनली एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, और ये जर्नी होती है ख़त्म, अब कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट जो जर्नी होगी वो आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगा वेरी सून, और कुछ नया प्लान कर रहा हूँ, जल्दी बताऊँ आप लोगों को, फॉलो करोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं मालूम चलेगा। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग, एंड आई होप यू गाइज़ आर यू नो ऑल डूइंग वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय।